हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए हैं सूर्य बाजार में नमाज़ पढ़ने के लिए। तैयारी की हम जो है आज आए थे सूर्य बाजार, क्योंकि थोड़ा सामान खरीदना था। एक भाई को हमने तो सामान खरीदना उन भाई को दे दिया और खराबी हो जाएगी, पर उसके बाद भी सही हो गया। कल बाहर निकले तो काफ़ी सन्नाटा हो चुका है रोड पर, वरना वैसे काफ़ी रौनक होती है जगह पर। वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आज, वो पहले जो है पिछले साल जब मैं आता था तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, और इस साल थोड़ा अपग्रेड भी हो गया है, सफ़ेद वाली लाइटें लगाई हुई है। वरना पिछले साल जो थी वो रॉड वाली लाइटें आती है ना, वो 200 वाट वाली, 5000 वाट वाली, 1000 वाट वाली, वो वाली बहुत लगाते थे। मगर इस बार अपग्रेड हो गया, LED लाइट वाली सारी लाइटें लगाई हुई है भाई लोगों ने थोड़ा खर्चा करके, और यहाँ पर थोड़ा रोशनी भी अच्छी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है क्रिकेट देखने का। बड़ी मज़े की बात यह है कि भाई रमज़ान के अंदर क्रिकेट ना हो तो रमज़ान लगता ही नहीं है कि रमज़ान है भाई हमारा। ये तो बड़े मज़े की बात है। और मतलब कि अभी जो है मस्जिद वगैरह भी खाली हो गई है, सन्नाटा लग रहा है, मगर अभी भी महसूस नहीं हो रहा कि 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है इसलिए। वरना रात के 2:30 बजे यहाँ पे आओ तो ना बंदा मिलता है ना बंदे की ज़ात मिलती है इस जगह पर, इतना सन्नाटा होता है भाई। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे एक बोझी भाई जो है ये भी खड़े हुए क्रिकेट के इंतज़ार में कि शायद इनकी भी बैटिंग आ जाए, मगर मुश्किल है ये सब लोगों की टीम बटी हुई है पहले से ही, थोड़ा मुश्किल है। मगर फिर भी भाई को बुलाया, आप खड़े रहो, आपको भी इंशाल्लाह हम टीम के अंदर लेंगे और खिलाएंगे भी। तो अभी हम जो है थोड़ा मैच देख लिया, अभी चलते हैं घर की जाने, फिर वहाँ पे सूरत हाल देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी ये मस्जिद में तरावी की नमाज़ चल रही है, अभी मैं खुद भी ना तरावी की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फिर अभी जैसे वैसे ख़त्म होने वाली है, जैसे ख़त्म होगी हम लोग ऊपर जाएंगे खाना खाने के लिए। मुझे खाना खाने के लिए हम आ गए, सहरी कर रहे थे, ये सहरी थी आज के अंदर, और ये चाय पापे भी थे हमारे पास, चाय और पापे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ मोहम्मद मस्जिद आया हुआ हूँ, ठीक है। अभी सहरी वगैरह कर ली है, अभी नमाज वमाज़ पढ़ के सब चले गए, ये मस्जिद भी बंद हो गई है। थोड़ा बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, बाहर जो है सब क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ बाहर से देख सकते हैं ये हमारी मस्जिद है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मस्जिद है हमारी, यहाँ पे सूर्य बाजार में यहाँ पे जो है क्रिकेट भी खेला जा रहा है, काफ़ी लाइटें वगैरह भी लगी हुई है और यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे आपको कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई आज हम जब सोल्जर बाजार आए तो यहाँ पे बाहर जो है मस्जिद के बाहर सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी वीडियो वगैरह भी बनाता हूँ कैसे छक्के मारते हैं ये लोग भाई, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब बॉल करेंगे तो कैसे छक्के मारेंगे भाई, ये इनकी बॉल आ रही है। क्या और ये बंदा रेडी है बॉल करने के लिए, बॉल करवाई और ये बाहर हो गया। ये बॉल वाइस के वाले के पास चली गई है, काफी दूर गई है और चौका हो चुका है भाई। ओ भाई सिक्स हो गया। नासिर भाई ये भी गई भाई, बंदे ने अभी तक दूसरे बॉल भी उड़ा दिए छक्के पे, एक चौके पे। चलो भाई अभी इनकी तीसरी बॉल भी देख लेते हैं, तीन बॉलों पर लगातार पड़ चुके हैं। और ये तीसरी बॉल पे भाई ने आउट कर दिया भाई, थोड़ा रिस्की हो चुका है, और ये भाई जो है आउट हो चुके हैं। पवेलियन की जाने भी वापस जा रहे भाई, तो भाई रेड चेन हो गया। बॉल पकड़ के रेडी खड़ा है मैं भाई वापसी। Yes।
अच्छी लाइटिंग की हुई इस बार। वैसे तो मस्जिद के सामने खेलते हैं, मगर इस बार थोड़ा आगे खेलें क्योंकि मस्जिद से जब नमाज वगैरह पढ़ के लोग निकलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर सी बात है। तो नमाज ही निकल रहे हो, वहाँ क्रिकेट चल रहा हो, शोर आ रहा हो, इसलिए आज थोड़ा आगे खेल लें। और ये हमारा जो है नेशनल पार्क है, जहाँ पे हम डेली आतवार को क्रिकेट खेलते थे। मेरे को इस जगह छोड़े हुए तकरीबन 4 साल हो गए। सूर्य बाजार में पहले रहता था, 18 साल सारे मैंने यहाँ गुजारा है। और इसी मस्जिद में इसी ग्राउंड में आता था जुलूस वलूस भी देखने के लिए, क्रिकेट भी खेलने के लिए, सुबह शाम क्रिकेट क्रिकेट। मगर अब ये जगह जो है हमने छोड़ दी है 4 साल पहले ही। हमारी रिहाइश अभी कोई दूसरी जगह पर है। बाकी ये इलाका जो है बहुत ही मज़ेदार इलाका है, यहाँ पर मज़ा आता है। रात को रौनक भी बहुत होती है यहाँ पे, रमज़ान के अंदर तो ख़ास तौर पर, और एक मुहर्रम के अंदर। ये 2 महीने ऐसे है कि यहाँ पे मुहर्रम बहुत ही ज़्यादा रौनक, और एक 12 रबी अव्वल का महीना ऐसा है कि जब यहाँ से जुलूस उतरता है तो एक इंतहाई रौनक होती है, फिर इनका जुलूस होता है। हमारे भाई नीमन वाले का, नीमन वगैरह का जुलूस वगैरह भी होता है, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे 12 रबी अव्वल मनाने का भी। हम कोशिश ही करते हैं कि यहाँ पे आए 12 रबी अव्वल मनाने के लिए। जगह जो है बेस्ट है, नेशनल पार्क ग्राउंड के पास भी बहुत VIP जगह है, यहाँ भी हम लोग खेलते हैं हर संडे इतवार वाले दिन, मज़ा आता है काफ़ी हमें। चलो भाई बस अभी जो हम लोग जा रहे हैं घर के जाने, ठीक है, अभी इंशाल्लाह घर पे पहुँचते हो तो फिर बताते हैं आपको कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी घर पे जाके अभी सहरी वगैरह लेके जानी है। मम्मी ने बोला दही वगैरह लेके आना। मेरा मूड जो है फुल क्रिकेट खेलने का हो गया, मगर खेल नहीं सकता, कपड़े ऐसे हमारा भी। चलो भाई अब हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हैं रास्ता जो है थोड़ा मज़ेदार है, मगर यहाँ पे जो है हम ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चोरी डकैतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। बस अभी निकल रहे हैं रास्ते में, फटाफट निकल रहे हैं राकेट राकेट गोली की तरह शूट शूट करके। और मैं सोच रहा था कि अभी ये वाला रास्ता नहीं जाता, नुमाइश वाला रास्ता ले। और अभी गाइस हम जो है नुमाइश से निकलेंगे, आपको मैं नुमाइश पर JDC की रौनक भी दिखाता हूँ। रौनक हो रही है JDC पे, काफ़ी मज़े वाला सीन है JDC पे, सहरी वगैरह भी होती है, काफ़ी रौनक होती है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको बता भी नहीं सकता। तो बड़ा बात हमारा जो है काफ़ी मेहनत करते हैं सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए। माशाल्लाह बताए इनको बरकत है, और इतने स्पॉन्सर आते हैं, इतने स्पॉन्सर कि आपको हम क्या बताएं। और हम भी जो है कोशिश यही करते हैं कि हम भी इनको स्पॉन्सर करें, ताकि जितने लोगों को सहरी करवा सकें उतने उससे ज़्यादा और लोगों को करवाएं। सहरी करवाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाब होता है। अभी हम चलते थोड़ा देर धीरे धीरे जा रहे हैं, आपको फोटो वोटो लेके भी दिखाऊँगा, थोड़ा वीडियो में भी दिखाऊँगा आपको कैसे यहाँ पे JDC के रौनक होती है। नुमाइश की साइड पर बहुत ही आलम मनाजर होते हैं। वैसे तो हमने कभी शहरी की नहीं, मगर ये है कि हमने हर साल देखा हुआ है कि जफराबाद में हमारे बहुत अच्छी तरीके से शहरी करवाते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काम और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے هذه جهنم التي كنتم توعدون یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی Thank you.
चलिए भाई लोग अल्लाह हाफिज़। अब हम जो है घर जा रहे हैं, रात बहुत हो गई है, घर के लिए शहरी वगैरह भी लेनी है, तो बस हम घर जा रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, हमारी जो वीडियो है वो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।